नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जिले हर पलकों में। मैं शिव कुमार प्रजापति आज लाए हूँ एक एक्साइटिंग वीडियो वाई के बारे में। वाई जो है वो 17 में आता है और इसका जो डिस्टेंस है पुणे से वो 90 किलोमीटर का है। और वाई जो है फेमस है अपने घाटों के लिए। यहाँ पे टोटल 7 घाट हैं। ये जो घाट आपको देख रहे हो ये गंगापुरी का घाट है। वाई की जो दूरी है 17 से लगभग 33 किलोमीटर है और पुणे से 90 किलोमीटर है। पुणे, मुंबई और सतारा से बस भी उपलब्ध हैं। आमतौर पर पुणे से लगभग 2 घंटे लगते हैं और मुंबई से 5 घंटे लगते हैं। दोस्तों, हम पुणे से निकले थे लगभग 3:30 बजे और यहाँ पर पहुँच गए थे लगभग 5:30 बजे तक। यहाँ पर हमने एक लॉज लिया था जिसका नाम आनंद लॉज है। आनंद लॉज गणपति मंदिर के बहुत करीब है और आपके बजट में भी फिट हो जाता है। अराउंड 1200 रुपये में आप एक रूम बुक कर सकते हो। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने अजय जो आनंद लॉज के ओनर हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। जब भी आप वाई घूमने आते हो तो उनको संपर्क कर सकते हो। हम फ्रेश अप होके पहुँच गए थे गणपति मंदिर पर और यहाँ पर जो गणपति मंदिर पर जो पार्किंग एरिया है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। पंचगनी और महाबलेश्वर के रास्ते में एक छोटा शहर वाई स्थित है जो न केवल 7 घाटों के लिए प्रसिद्ध है बल्कि 100 से अधिक मंदिर भी हैं। उनमें से कई मंदिर पौराणिक हैं। यह बॉलीवुड फिल्म शूटिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। 100 से ज़्यादा मंदिर होने के कारण वाई को दक्षिण काशी भी कहा जाता है। वाई को विराट नगरी के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पांडव वाई के राजा विराट के साथ रहते थे जब वे निवर्सन में थे। महागणपति मंदिर वाई में गणपति आली घाट में स्थित है। इस मंदिर के सामने काशी विश्वेश्वर मंदिर है। यहाँ पर आदिकांश मंदिर का निर्माण हेमतपंथी शैली की वास्तुकला में किया गया है जिसमें विशाल पत्थर के स्लैब और बिना मोटर का उपयोग किया गया है। इस मंदिर के गणपति की विशाल प्रतिमा एक ही काले पत्थर से बनाई गई है और उसी पत्थर से काशी विश्वेश्वर मंदिर में नंदी की प्रतिमा बनाई गई है। मंदिर एक विशाल आंतरिक गर्भगृह और सामने एक विशाल हॉल के साथ तैयार पत्थर से बनाया है। मंदिर में देवता की मूर्ति एक मोनोलिथ में तराशी गई है। गणेश प्रतिमा के बड़े आकार के कारण इसे डोलिया कहा जाता है। यह 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है। मराठी भाषा में डोलिया का अर्थ है विशाल या मोटा होता है। गणेश प्रतिमा पर कलरफुल पेंटिंग देख सकते हो और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। पास में स्थित काशी विश्वेश्वर मंदिर अपनी भव्यता और सुंदर पत्थर के काम के लिए प्रसिद्ध है। एक बड़े आंगन में फैला मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जबकि बाहरी प्रवेश द्वार पर नंदी की एक विशाल पत्थर की मूर्ति है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही काफी शांति महसूस होती है। इस मंदिर परिसर में 2 दीपमालाएं इस मंदिर प्रांत में बॉलीवुड की फिल्म गंगाजल की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर एक अद्भुत शिवलिंग देख सकते हो। दोस्तों, मंदिर के दर्शन के बाद हम पहुँच गए थे सिद्धगिरी होटल जो वाई से अराउंड 2 से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। टूवर्ड्स पंचगनी रोड पे आता है। इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। यह बहुत ही फेमस होटल है। यहाँ पे आपकी स्पेशलिटी क्या है खाने में? स्पेशलिटी आपके यहाँ के होटल की घरगुती जैसा मटन थाली। मटन थाली है। और कितने में हो जाता है? अनलिमिटेड है, कैसा है? अनलिमिटेड है। हाँ, 270 रुपये। अच्छा, मटन थाली हमने अभी ऑर्डर किया है। बाकी इधर में डालने कैसे? ये जवार है ना? जवार बाकरी। अच्छा, ये मटन का रसा है क्या? ठीक है, तो थोड़ा पूरा डाल। ओके, तो ये जवार का भाकरी है और ये मटन का रसाय है, इसको हम मिला रहे हैं अभी और इसको टेस्ट करके देखते हैं। वाह, एकदम बढ़िया टेस्ट है इसका। और ये सूखा है, अच्छा तो ये सूखा है, ये सूखा है, रसा है और ज्वार का भाकरी है और ये पूरा पान रसा है। दोस्तों नेक्स्ट डे सुबह हम उठे थे, फ्रेश अप होने के बाद में हम निकल गए थे डोम लेक को। वाई गणपति मंदिर से जो डोम लेक की डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर की है। ये अर्ली मॉर्निंग है और यहाँ पर आप सनराइज़ देख सकते हो, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अगर आप इस लेक में बोटिंग करना चाहते हो तो सयादरी बोटिंग क्लब के द्वारा इसमें बोटिंग कर सकते हो। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों मेरे पीछे डोम लेक देख सकते हो और डोम लेक ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे बॉलीवुड की फिल्म शूटिंग हुई है। यहाँ पे स्वदेश जैसी मूवी है जो यहाँ पे ही शूट हुई थी, यहाँ पे डोम लेक के पास। और चेन्नई एक्सप्रेस मूवी जो है वो यहीं इसी जगह पे शूट हुई है। ऐसे काफ़ी सारे बॉलीवुड के फिल्म्स हैं जो यहाँ पे शूट हुई है। मस्त लेक है, मस्त व्यू है और वहाँ पे डैम, थोड़ी देर में आपको डैम का व्यू भी दिखाएंगे। दोस्तों आप लेक के पास टेंट में स्टे करना चाहते हो तो मैग्नस केवंस रिसोर्ट जो है वो ये प्रोवाइड करता है। अभी हम आए हैं धोम डैम पे। धोम डैम सबसे निचली नींव से 50 फीट लंबा है और करीब 2500 मीटर की लंबाई में है। झील की जल क्षमता 14 TMC है। वाई से 10 किलोमीटर की दूरी पर धोम डैम से जस्ट पहले हमारे गौरवशाली इतिहास का एक और अंश है, धोमेश्वर महादेव और लक्ष्मी नरसिंह मंदिर। सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी खिड़की है जिसके माध्यम से पानी का कुंड देखा जा सकता है। यहाँ पर नीचे धूम ऋषि का समाधि स्थल है। गर्भगृह में एक अद्भुत शिवलिंग देख सकते हो। शिव मंदिर के सामने नंदी को एक कछुआ की पीठ पर बिठाया गया है। यहाँ कमल के आकार के तालाब के ऊपर एक विशाल कछुआ है। यहाँ सब काले पत्थर से बना है। दोस्तों यहाँ पर आप भगवान श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर देख सकते हो। मंदिर में एक ऊंचे चबूतरे पर भगवान नरसिंह की 2 मूर्तियां हैं। उनमें से एक जो मूर्ति है जो भगवान विष्णु की, वो सामान्य रूप या सौम्य रूप है और जो उसके पीछे जो दूसरी मूर्ति है वो उग्र रूप है, जिसमें भगवान नरसिम्ह अपने हाथों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ देते हैं। पांडवों की एक चेहरा मूर्तिकला है, 4 मुख भुजाओं पर है बाहर की ओर और 5वां मुख ऊपर की ओर है आकाश की ओर। दोस्तों अभी हम आए हैं मेनावली घाट पर। मेनावली घाट जो है वो वाई से लगभग 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और एक कृष्णा नदी के तट पर एक घाट बना है। बॉलीवुड फिल्म्स के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये घाट। और यहाँ पे 2 मंदिर हैं, एक शिव जी का मंदिर है और वहाँ पे शिव जी का मंदिर आप देख सकते हो, और जो दूसरा मंदिर है वो भगवान विष्णु जी का मंदिर है। ये भगवान विष्णु का मंदिर देख सकते हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे मंदिर बंद है और सामने जो आपको पेड़ नज़र आ रहा है यहाँ पे काफ़ी सारे बॉलीवुड की फिल्म्स शूट की गई हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी सी घंटी देख सकते हो नंदी मंडप में, जो शिवजी के मंदिर के सामने है। दोस्तों ये जो बेल आपको दिख रहा है इसका जो वजन है वो 650 kg है। शिवाजी अप्पा जो है उन्होंने ये बेल यहाँ पे फोटो के स्पोर्ट से लाए थे और यहाँ पे उन्होंने लगाया था। दोस्तों शिव जी के मंदिर में काफ़ी अंधेरा है। अगर आपको नीचे जाना है दर्शन के लिए तो मोबाइल की लाइट या नहीं तो टॉर्च लाइट के द्वारा आप नीचे जा सकते हो। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है। यहाँ से भी आप सीढ़ियाँ देख सकते हो। दबंग फिल्म, स्वदेश फिल्म, बोल बच्चन, गंगा जल, ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जो यहाँ पे शूट हुई हैं। लगभग 300 बॉलीवुड की मूवीज़ हैं और रीजनल मूवीज़ भी हैं जो यहाँ पे शूटिंग की गई हैं। एक कृष्णा नदी के तट पे मेनावली घाट, यहाँ पे कुछ लोकल लोगों को देख सकते हो कपड़े धोते हुए। नाना फडणवीस वाड़ा है ये। अंदर से जब आते हैं तो घाट के लिए ये एंट्री है। इसका जो ओपनिंग है वो आगे से है, वो थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। दोस्तों नाना फडणवीस वाड़ा का जो एंट्रेंस है वो गोमुखी की टाइप में है। जब वाड़ा में एंटर करते हो तो यहाँ पर टिकट काउंटर है। में एंटर करने के लिए आपको 25 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। और इस एरिया को जो है वो गणेश चौक कहते हैं। नाना फडणवीस वाड़ा में मृत्युदंड जैसी फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। नाना फडणवीस वाड़ा जो है 34,602 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। उत्तर पूर्व पश्चिम से इसके 3 डायरेक्शन में इसके एंट्रेंस हैं। इसका जो मेन एंट्रेंस जो है वो नॉर्थ साइड से है। और ये जो है ये मेनावली का दफ्तर है। नाना फडणवीस जो है वो ज़्यादातर काम इसी दफ्तर से करते थे। और नाना फडणवीस वाड़ा में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन भी किया जाता था। दीवारों पे काफ़ी सारे आकर्षित पेंटिंग्स आप देख सकते हो। दोस्तों इस वाड़ा में एक अनोखा एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका नाम जो है वो मोडी स्क्रिप्ट में आपके टिकट के ऊपर लिखा जाता है। मोडी स्क्रिप्ट जो है वो मराठी भाषा लिखने के लिए उपयोग होता है। दोस्तों वाई में पूरे पॉइंट्स कवर करने के लिए आपको 2 से 3 दिन का समय लगेगा। दोस्तों अगर आपके पास अतिरिक्त समय है तो पांडवगढ़ किला, किंजलगढ़ किले पर घूम सकते हो। और यहाँ पर एक पौराणिक मंदिर है जो 400 साल पुराना है, मंदरदेवी कालूबाई का मंदिर है जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर भी आप जाके विज़िट कर सकते हो। दोस्तों गणपति मंदिर से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वाई केव्स है, ये बुद्धिस्ट केव्स हैं, इसको भी आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो वाई के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।